चार दिन से राजू श्रीवास्तव दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं। लगातार एक्टर की सेहत पर डॉक्टरों की टीम नजर बनाए हुए है, वहीं कॉमेडियन के फैंस भी राजू श्रीवास्तव की सेहत को लेकर काफी परेशान हैं। इस बीच कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हेल्थ को लेकर बड़ा अपडेट आया है जो उनके फैंस की चिंता जरूर बढ़ा सकता है। एक्टर की MRI रिपोर्ट आ गई है जिसमें कॉमेडियन के ब्रेन के एक हिस्से में इंजरी के निशान पाए गए हैं। कहा जा रहा है कि इंजरी दिमाग में ऑक्सीजन न पहुंचने की वजह से हुई है। राजू श्रीवास्तव की नई हेल्थ अपडेट उनकी MRI रिपोर्ट से जुड़ी हुई है। शुक्रवार देर शाम एक्टर को वेंटिलेटर रूम से MRI के लिए ले जाया गया था जिसकी रिपोर्ट आ गई है और उसमें एक्टर के सिर के सबसे ऊपरी हिस्से के ब्रेन पार्ट में कई धब्बे मिले हैं। डॉक्टर इन धब्बों को इंजरी बता रहे हैं। इन धब्बों के पीछे की वजह दिमाग में सही तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई न पहुंचना है। इन धब्बों को सामान्य करने के लिए डॉक्टर मेडिकल उपायों का इस्तेमाल करेंगे। राजू श्रीवास्तव की रिकवरी बहुत धीमी हो रही है। डॉक्टरों के अनुसार एक्टर को होश आने में करीब 1 से 2 हफ्ते का वक्त लग सकता है। डॉक्टरों के अनुसार MRI रिपोर्ट में दिमाग के एक हिस्से में दिख रहे ये धब्बे चोट लगने की वजह से नहीं आए हैं। ये करीब 25 मिनट तक ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाने की वजह से हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार राजू श्रीवास्तव के दिमाग के निचले हिस्से को कम नुकसान हुआ है। इसी वजह से एक्टर के शरीर में कुछ हरकत देखी जा रही है जिससे हाथ और पैर, आंख की पुतली और गले में कुछ हरकत का होना है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।